नमस्कार साथियों, चंबल प्रवाह पर आज आपको एक ऐसे संवेदनहीन मामले की जानकारी दे रहे हैं जिससे न केवल इंसानियत को शर्मसार किया है बल्कि गैरी जिम्मेदार जिम्मेदारी का एक ऐसा उदाहरण दिया है जिससे हर कोई देखकर हैरान है, परेशान है। आपको बता दें, चार दिन पहले एक बालिका का शव दिहोली थाना क्षेत्र के खेतों में मिला था। उसके गले में एक रस्सी का फंदा भी था। मौके पर पहुंची दिहोली थाना पुलिस ने शव को शिनाख्त के प्रयास किए लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई। बाद में जब इस अज्ञात बालिका के शव की अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी राजाखेड़ा नगरपालिका के कर्मचारियों को सौंपी गई तो सबसे पहले कर्मचारी उस शव को कूड़ेदान के ट्रैक्टर में डालकर शमशान तक ले गए। वहाँ उन्होंने लकड़ियों पर पेट्रोल डीजल छिड़क कर अज्ञात बालिका के शव का दाह संस्कार किया। हद तो तब हो गई जब दाह संस्कार के समय हंसी ठिठोली करते नजर आए, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। मामला गरमाने पर जब अधिशासी अधिकारी से बात की गई तो उनका बयान सामने आया, जिसे आप सुने। दिहोली थाना अधिकारी द्वारा सूचना दी गई कि एक लावारिस लाश मिली है और बताया गया कि मेडिकल बोर्ड के एग्जामिनेशन के बाद उसको दाह संस्कार नगर पालिका द्वारा करवाया जाए, तो उसकी हमने डेड बॉडी का दाह संस्कार करवाया। जी, यदि नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा जब दाह संस्कार किया जा रहा था तो उस बॉडी के ऊपर डीजल पेट्रोल डाला गया, उसके बाद आग लगाई गई। इस बारे में जानकारी है, मैं लकड़ियों बुला कर लगे लेकर नहीं, डीजल पेट्रोल से आग लगाई गई। इस बारे में जानकारी है, डीजल पेट्रोल अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई करेंगे, किसने किया होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन गैर जिम्मेदार कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि इन्होंने उस बालिका के दाह संस्कार को धर्मशास्त्र अथवा रीति रिवाज और कानून के साथ एक ऐसा भद्दा मजाक किया है जिसे देखकर हर कोई परेशान है और हर आदमी एक उचित कार्रवाई की मांग कर रहा है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।